हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म। टॉटो का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, अननेसेसरी रिपीट होना, और टॉटोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स विच कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू वन अनदर। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के आइसोमर है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है वो क्या कहलाते हैं? टॉटोमर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस अबाउट दीज टू कंपाउंड्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस जो आ रहा है वो है पाई बॉन्ड की लोकेशन। यहां पर अगर अपन देखें दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो 1-2 से हट करके 2-3 पर आ जा रही है, और जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो 3 से हट करके 1 पर आ जा रही है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक एटम की पोजीशन में डिफरेंस है वो क्या कहलाते हैं? टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स की खास बात यह है, ठीक है, इसमें खास बात यह है कि एक पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। इन टॉटोमर्स 1 पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड और पाई बॉन्ड्स गेट्स डीलोकलाइज्ड विद द चेंज और एक्सचेंज इन द पोजीशन ऑफ वन एटम, एंड यूजुअली दैट एटम इज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन 1 से क्या हो जा रही है? 3। यहां पर 3 पर है और इस मॉलिक्यूल में 1 पर आ जा रहा है, और डबल बॉन्ड की लोकेशन 1-2 से 2-3 के बीच में आ जा रही है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? टॉटोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, टॉटोमर बेसिकली हमने एक स्पेसिफिक बात की फंक्शनल ग्रुप की। टॉटोमर्स का और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कुछ बेसिक कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दीज टू, आई मस्ट से, मॉलिक्यूल्स, सो दे विल बी सेपरेटेड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड इन दिस केस वन एटम और एच प्लस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के लिए, तो इन दोनों में हमने डबल हेडेड एरो लगाए हैं और ये दोनों आइडेंटिकल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑल्दो दे आर इंटरकन्वर्टिबल, मगर ये कोई रिएक्शन नहीं है। ये दोनों फॉर्म्स एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये जो फिनोमिनन है जिसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन सेपरेट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म। और इन दोनों में एक दूसरे, ये दोनों क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअली हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस फिनोमिनन इज रेजोनेंस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉटोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? सो इफ वी टॉक अबाउट टॉटोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यहां पर जो टॉटोमर्स है इनमें एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज, मगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है? फिक्स्ड है। यहां पर एक ही एटम की पोजीशन चेंज हो रही है टॉटोमर्स में, ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम, ठीक है, मोस्टली हाइड्रोजन एटम, ठीक है, चेंज होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिग्मा बॉन्ड की जो पोजीशन है टॉटोमर्स में चेंज होती है, सिग्मा बॉन्ड चेंजेस, सिग्मा बॉन्ड चेंजेस, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिग्मा बॉन्ड रिमेन फिक्स्ड। सिर्फ पाई और लोन पेयर डिलोकलाइज करते हैं, मगर टॉटोमर्स में क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक सिग्मा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड चेंज होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉटोमर्स बेसिकली रिप्रेजेंट ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये एक क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कोई रिएक्शन नहीं है,
ये फॉर्म्स हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, इट इज नॉट ए रिएक्शन, दे आर फॉर्म्स ऑफ वन मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, वन आयन या मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल के दो या उससे ज्यादा फॉर्म्स हैं, ठीक है, बट टॉटोमर्स क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर हम टॉटोमर्स की बात करें तो जो हमने डिस्कस किया इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन से इंटरकन्वर्ट होना, ये रियल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दीज आर रियल स्ट्रक्चर्स. बट अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इन दोनों का हाइब्रिड होगा, ठीक है. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, दे आर हाइपोथेटिकल. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, दे आर हाइपोथेटिकल. वन मोर पॉइंट इज, इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो स्टेबिलिटी से चलेंगी. रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकती है, जो पार्टिकल या जो टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही क्या होंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इट विल बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. बट इन दिस केस क्या होगा, स्टेबिलिटी से कंट्रोल नहीं होगा, यहां पर तो ये दोनों ही पार्टिकल आइडेंटिकल है. लेकिन अगर दोनों पार्टिकल्स डिफरेंट हो तो हाइब्रिड, तो एक्चुअली तो सबके लिए हाइब्रिड ही डिफाइन होगा, लेकिन हाइब्रिड में ज्यादा स्टेबल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर स्टेबल फॉर्म का ज्यादा होगा, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए हम डिफाइन नहीं करेंगे, बट रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जो ज्यादा स्टेबल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉटोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो मेजरली आप देख करके बता पाओगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एटम की लोकेशन चेंज हो रही है तो दैट इज अ टॉटोमर, ठीक है. लेकिन अगर एटम की लोकेशन सेम है, पाई और लोन पेयर ही डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. सिग्मा फिक्स रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है टॉटोमर्स में. अब अगर हम बात करें टॉटोमर्स को, हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप से. टॉटोमर्स को हम तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, डायड, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रायड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेस टॉटोमर. स्पेस टॉटोमर, ठीक है. तो डायड्स क्या होते हैं, डायड्स में पहले और दूसरे एटम के बीच हाइड्रोजन का अगर एक्सचेंज है तो इसे डायड कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर एक्सचेंज है तो इसे ट्राइड कहते हैं, और अगर फर्स्ट फाइव या फर्स्ट सेवन इस तरीके से एक्सचेंज होता है तो इसे स्पेस टॉटोमर कहते हैं. एक एक करके हम इस पर, ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं डायड का, ट्राइड का और स्पेस टॉटोमर का. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायड्स, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बोला, डायड्स वो टॉटोमर्स होते हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में हाइड्रोजन में माइग्रेशन हो. सो ये क्या है, HONO, नाइट्रस एसिड. अगर हाइड्रोजन का माइग्रेशन वन से या O से N पर हो जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ओके. तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाइड्रोजन वन से टू पर जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, डायड कहलाते हैं, ठीक है. सो डायड में फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है. ओके, दूसरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से. अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन वन से टू के बीच में होता है, ठीक है,
तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, डायड होंगे, क्योंकि फर्स्ट के और सेकंड के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है. बट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजुअली आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट टाइप के जो टॉटमर्स होते हैं दे आर नॉन एज ट्राइड्स, और ट्राइड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन फर्स्ट से थर्ड पोजिशन पर होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस अबाउट दीज टू मॉलिक्यूल्स, इसका अगर आपसे कहा जाए टॉटमर बनाने के लिए, तो पहले हम लोग बहुत बेसिक तरीके से टॉटमर्स बनाते हैं, एंड देन वी विल कम टू द मैकेनिज्म जिससे हम टॉटमर्स बनाएंगे. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हाइड्रोजन एटम 3 से मूव करके 1 पर आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है ये 1-2 से 2-3 के बीच में आ जाएगी, ठीक है. सो दिस इज अ ट्राइड. ट्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में माइग्रेशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहां पर भी हाइड्रोजन का माइग्रेशन हम 3 से 1 पर करा दें. सो 3 से 1 पर माइग्रेशन करा दें, और डबल बॉन्ड की लोकेशन 1-2 से 2-3 के बीच में आ जाएगी, ठीक है, अगेन ट्राइड. सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे ट्राइड के लिए. एक तो आएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट साइड से, हम इस तरीके से बना सकते हैं 1 पर आ जाए OH, और डबल बॉन्ड की लोकेशन 2-3 पर आ जाए, इस तरह से बना सकते हैं. और इस तरह से भी हम बना सकते हैं, 3 हम राइट वाले को ले लें, ओके. 3 अगर राइट वाले को लेते हैं तो इस तरीके का टॉटमर आएगा 1 पर H और 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. ओके, तो कुछ क्वेश्चन में देता हूं आप लोगों को, इनके ट्रायड्स आप लोग बनाइए. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसका टॉटोमर दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक ये लेफ्ट और एक ये राइट. इस मॉलिक्यूल का एक ही टॉटोमर होगा, कहीं से भी बना ले लेफ्ट या राइट सेम ही होगा, ठीक है. तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है कीटो, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, और इनको कहा जाता है इनॉल, क्योंकि अल्कीन भी है, ईन भी है, और अल्कोहल भी है, ओल भी है, ठीक है. तो ईन एंड ओल, अल्कोहल एंड अल्कीन, इसलिए इनॉल बोल रहे हैं. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कीटो इनॉल. अगर अपन इसमें देखें तो इसका टॉटमर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, ओके. और ये फंक्शनल ग्रुप होगा एसी, ठीक है, कभी कभी एसी नाइट्रो भी कहते हैं इसे. नेक्स्ट इज इमीन, इसका हम अगर टॉटमर बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा 3 से एच 1 पर, और ये डबल बॉन्ड की लोकेशन आ जाएगी. सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज इमीन, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज इनामीन, ओके. सो दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइट, और इसका अगर अपन टॉटमर बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा 3 पर H और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा NH2, ठीक है. तो अमाइड और इमिडोल,
इमिडोल, तो इसलिए इसको कहते हैं इमिडोल, ठीक है। ओके, यहां पर अगर अपन देखें दिस इज ऑक्साइन, इसका अगर हम टॉटोमर बनाते हैं इस तरीके से बनेगा तो 3 पर आ जाएगा हाइड्रोजन और एन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज ऑक्साइन एंड दिस इज नॉन एज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ टॉटोमर RCH2N डबल बॉन्ड NR, हम पढ़ चुके हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, दिस इज व्हाट, अजाइडो, ठीक है। अजाइडो नहीं है ये, क्या है, अजो, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें इसका टॉटोमर हम बनाते हैं तो यह आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NNHR, ओके। तो इस तरीके का जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीन, ठीक है। तो हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ओके, और इसको क्या बोलेंगे, अजो, ठीक है। तो इस तरीके से हम और भी कई सारे मॉलिक्यूल में टॉटोमर्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर दे दिया जाए नाइट्रोसो टॉटोमर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो H निकाल करके 3 से 1 पर लगा दें और डबल बॉन्ड की लोकेशन 2-3 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोसो एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज ऑक्साइन, ओके। तो हमने ट्राइड्स में क्या किया, 1 से H निकाला 3 पे लगा दिया, या 3 से H निकाला 1 पे लगा दिया, और डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर दी 1-2 से 2-3 या 2-3 से 1-2, ओके। तो हम डबल बॉन्ड को एक एटम शिफ्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हम फर्स्ट से थर्ड पर ले जा रहे हैं या थर्ड से फर्स्ट पर ले जा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के टॉटोमर्स कहे जाते हैं ट्राइड। ओके, तो हमने दो टाइप के टॉटोमर्स डिस्कस किए, डायड और ट्राइड। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप, दे आर नॉन एज स्पेस टॉटोमर्स। तो सबसे पहले हम जैसे अभी बना रहे थे ट्रिक से हम ड्राइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, तो इस मॉलिक्यूल के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड इज एन sp2 कार्बन, और यहां से हम H को निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर यहां से H निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ये कार्बन sp, sp इज नॉट पॉसिबल 6 मेंबर रिंग में। तो हम किससे एलिमिनेट करेंगे, 5 से, 5 इज व्हाट, sp3 कार्बन। तो जैसे अगर ये कॉन्जुगेटेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8 ऐसे कॉन्जुगेशन है, तो हम उस कार्बन तक जाएंगे जो sp3 है, और ये ऑड नंबर पर आएगा, यहां तो 3 पर जैसे आ रहा था, या 5 पर, या 7 पर, या 9 पर। जब हम इसका टॉटोमर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, 5 से H निकाल करके 1 पे लगा देंगे, और जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो 1-2 से 2-3 हो जाएगी, और 3-4 से 4-5 हो जाएगी, एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हाईली स्टेबल कंपाउंड भी है ये बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक नेचर, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, इसका हमको टॉटोमर बनाना है, तो हम इसके दो तरीके से टॉटोमर बना सकते हैं। पहला, हम ट्राइड बना सकते हैं, तो ट्राइड जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 पर आ जाएगा एच और 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्राइड बनेगा इसका। लेकिन अगर हम इसका स्पेस टॉटोमर बनाते हैं तो स्पेस टॉटोमर हम बना सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव, फाइव भी फ्री नहीं है क्योंकि sp2 है, तो हम 7 पे देखेंगे, 7 sp3 है, तो यहां से हम इसका टॉटोमर बना सकते हैं। टॉटोमर इस तरीके से बनाएंगे, स्पेस टॉटोमर 1 पर हम लगा देंगे H जो कहां से आया, 7 से, और डबल बॉन्ड की लोकेशन 1-2 से बना देंगे 2-3, 3-4 से बना देंगे 4-5, और 5-6 से बना देंगे 6-7। तो बॉन्ड को एक एक आगे शिफ्ट करते जाएंगे, और H जो आया है वो कहां से आएगा, ऑड नंबर वाले कार्बन से, वो कार्बन जो sp3 है वहां से हम H निकालेंगे, ठीक है। ऑफ दीज टू टॉटोमर्स दिस वन इज मोर स्टेबल
बिकॉज यहां पर जो रेजोनेंस है वो क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, और यहां पर जो रेजोनेंस है ऑक्सीजन लोन पेयर का इन पाई बॉन्ड्स के साथ वो क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, लेस स्टेबल क्रॉस कॉन्जुगेशन और यहां पर क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गया इस मॉलिक्यूल के लिए अगर स्पेस टॉटमर बनाना हो सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन पोजीशन पर आ रहा है sp3 कार्बन, तो नाइन से हम एच को निकाल करके वन पे लगाएंगे, इसीलिए इसे स्पेस टॉटमर भी कहते हैं, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है कहां से एच निकालना है, सेवन से या नाइन से या फाइव से, ठीक है, इसलिए इसे स्पेस टॉटमर भी हम कह रहे हैं। तो जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है, हमने यहां पर तो एच लगा दिया, और पाई बॉन्ड की लोकेशन एक एक आगे शिफ्ट करते जाए, दोनों ही रिंग्स यहां पर बनेंगी एरोमेटिक। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, स्पेस टॉटमर्स पर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देखें सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड sp2 है, फोर एंड फाइव, फाइव पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, और नहीं है इसलिए ये टॉटमर स्पेस टॉटमर बना नहीं पाएगा। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि स्पेस टॉटमर्स डायड्स और ट्राइड्स में क्या डिफरेंस होता है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये टॉटमर्स बनते कैसे हैं, ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म इज द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली ये टॉटमर्स का फॉर्मेशन एक तरह की रिएक्शन ही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में इंटरकन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस में एक एटम का माइग्रेशन भी हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे हैं, तो ये इट्स ए रिएक्शन, और अगर रिएक्शन है तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो दो तरीके से टॉटमेरिज्म पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला है एसिडिक मीडियम। ओके, तो टॉटमराइजेशन हम एसिडिक मीडियम में करा सकते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा दिया जाए कीटोन, ठीक है, कीटोन जो है ये H+ के साथ या एसिडिक मीडियम यहां पर मेंशनड है। अब क्या होगा, जो कीटोन है यहां पर ऑक्सीजन अकेला ऐसा एटम है जिसके पास है लोन पेयर्स, और लोन पेयर होने के कारण इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गिफ्ट करने की, ठीक है, किसी ऐसे एटम को जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है। ओके, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ओके, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ओ विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें ये चार्ज शिफ्ट करके कार्बन पर चला जाएगा। तो ये ज्यादा अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि यहां पर कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन बना और ये कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केटायन्स अनस्टेबल होते हैं, कार्बोकेटायन्स अनस्टेबल होते हैं बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ऐसे पार्टिकल कुछ समय के लिए ही रिएक्शन मैकेनिज्म में बनते हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है, सो दिस इज इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जैसे बनते हैं दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू ए मॉलिक्यूल विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां पर ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रॉय होकर के ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, मोर स्टेबल हो,
तो ऐसे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से डिस्कस किया था सिग्मा कैन कन्वर्ट इन टू पाई, यहां पर ऐसा हो ये सिग्मा पाई में तो कन्वर्ट हो जाए मगर ये H प्लस निकल करके सॉल्यूशन में चला जाए, और सॉल्यूशन में अगर चला जाएगा तो कार्बन के और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये नया स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो इनिशियल मॉलिक्यूल था उसका टॉटमर, और इसको इनॉल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो ये जो कीटो फॉर्म था इसका हमने टॉटमर बनाया विद मैकेनिज्म, तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया इनॉल में। और जो हम पहले करते आ रहे थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो थर्ड पर जो एच है इसको उठा करके हमने एक्चुअली कहा लगा दिया वन पर, और जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वन टू से हम माइग्रेट करा के ले आए टू थ्री पर। अगर हम इस मॉलिक्यूल में टॉटमराइजेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन जो है इसमें बॉन्ड बन रहा है, एंड इट शुड बी ए फास्टर स्टेप ऑफ रिएक्शन क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और बॉन्ड बनना इज ऑलवेज अकंपनीड बाय द लॉस ऑफ एनर्जी एंड गेन इन स्टेबिलिटी, तो H प्लस का और O का बॉन्ड डेवलप हो रहा है, ये फास्ट स्टेप होगी, जबकि ये स्टेप रिएक्शन की क्या होगी, स्लो स्टेप होगी, ठीक है, स्लो स्टेप होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें जो अल्कीन बन रहा है वो जितना स्टेबल बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जो स्लो स्टेप होगी वही रिएक्शन का ओवरऑल रेट डिसाइड करेगी। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा, यहां पर तो देखिए एक ही टॉटोमर बन सकता है लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर टॉटोमर बन पाएंगे तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा या उसका परसेंट, उस टॉटोमर का परसेंटेज ज्यादा होगा जिसमें अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए और मीडियम दिया जाए एसिडिक, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे हम दो टॉटोमर बना सकते हैं, एक लेफ्ट में डबल बॉन्ड और एक राइट में डबल बॉन्ड, और मीडियम अगर एसिडिक है तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं, यहां पर अल्फा एच है 2 और यहां पर अल्फा एच है 6, तो ये क्या होगा मोर परसेंटेज में बनेगा या मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा लेस परसेंटेज में बनेगा या माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, एक और बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपको ये मॉलिक्यूल दिया जाए एसिडिक मीडियम, तो हमने देखा सेकेंड स्टेप जिसमें अल्कीन बन रहा है वो स्लो स्टेप है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी से हम डिसाइड करेंगे। यहां पर भी हम दो टॉटोमर बना सकते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, तो जो लेफ्ट से टॉटोमर बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा और जो राइट से टॉटोमर बनेगा कुछ ऐसा रहेगा। इस पे अगर अपन देखें अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच 2+1 3 और यहां पर अल्फा एच है 7 है, ठीक है 3+2+2, तो ये होगा मेजर मोर स्टेबल है और ये होगा माइनर लेस स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि दोनों तरीके से हम टॉटोमर बना पा रहे हों, मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम आपको दिया जाए तो हम दोनों तरीके से टॉटोमर बना सकते हैं, लेफ्ट से अगर बनाते हैं तो ये बनेगा ट्रायड और राइट से अगर अपन बनाते हैं तो ये स्पेस टॉटोमर बनेगा, ठीक है। स्पेस टॉटोमर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एंड फाइव, ओके तो डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 2 से उठा करके 2 3 और 3 4 से उठा करके 4 5, तो जैसे ट्रायड हमने बनाया इसके लिए भी मैकेनिज्म हम मेंशन कर सकते हैं। तो स्पेस टॉटोमर का मैकेनिज्म हम डिस्कस करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोनियम आयन, तो यहां पर ऑक्सोनियम आयन डेवलप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इसका हम बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस फॉर्म में, एंड सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज डीप्रोटोनेशन, तो अगर इसका H प्लस यहां से एलिमिनेट हो जाए तो H प्लस के एलिमिनेशन से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा
और H प्लस चला जाएगा। ओके तो हमारे पास ये दोनों अल्कीन्स आ रहे हैं या दोनों इनॉल फॉर्म आ रहे हैं, बट ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है स्पेस टॉटमर में। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फाइव एटम्स एक साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं, जबकि ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड जो ट्रायड है दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेटेड। ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, ये लेस स्टेबल है, माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मोर स्टेबल है, यही रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जैसे हमने एसिडिक मीडियम में डिस्कस किया, हम टॉटोमर्स बना सकते हैं बेसिक मीडियम में भी। तो इसका भी एक बार हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में लेता हूं एसीटोन इन बेसिक मीडियम। ओके तो मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन OH माइनस, क्योंकि बेस है और बेस है तो क्या होगा, ये इसका नेचुरल टेंडेंसी होगा मॉलिक्यूल में से H प्लस को ट्रैप करके बाहर निकाल लेने का। तो OH माइनस इस H प्लस को ट्रैप करके बाहर निकाल लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इन टू H2O एंड CH नेगेटिव। यहां पर देखिए मैं इसे अल्फा कार्बन कहूंगा। ठीक है, अल्फा कार्बन जो कार्बन है इस पर अगर H प्लस निकल जाता है या एनायन आता है तो ये एनायन C डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। जो भी नेबरिंग कार्बन है C डबल बॉन्डो का वो अल्फा है, और ये अगर लोन पेयर C डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो इस तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होनी चाहिए क्योंकि यहां पर अब हम सिग्मा तोड़ रहे हैं, और सिग्मा तोड़ना मतलब इट विल बी स्लो बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है तो स्लो स्टेप ये रिएक्शन की होगी, दैट इज द जनरेशन ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो ये कार्बन आयन हमने बनाया है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो वॉटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हुआ है ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लें, और ये ओ नेगेटिव यहां से एच प्लस ट्रैप करके निकाल लें, और ट्रैप करके निकालेगा तो ये जनरेट कर लेगा इनॉल फॉर्म विद द एलिमिनेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो ये फॉर्म क्या है इनॉल, और जो हमने पहले लिया था दैट इज कीटो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब उल्टा भी हो सकता है, यहां से फिर H प्लस निकल जाए, एनायन बने, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो ये जो फॉर्म है जो हमने शुरू किया है जिससे दैट इज कीटो, और जो दूसरा फॉर्म बन रहा है दैट इज इनॉल, मगर यहां पर इंटरमीडिएट कैटायन नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। तो जितना स्टेबल कार्ब एनायन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और उतना ही प्रोडक्ट का परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो जैसा हमने पिछली बार मतलब पिछले केस में डिस्कस किया एसिडिक मीडियम में, हमने अल्कीन की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया, मगर बेसिक मीडियम में वी विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। जो ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनाएगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का। तो मैं कुछ क्वेश्चन से इस बात को समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए सिंपल, यहां पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब बेसिक मीडियम की अगर बात करें तो यहां पर दो टॉटोमर बन सकते हैं, तो दो टॉटोमर बनने के लिए दो डिफरेंट टाइप के एनायन बनेंगे, एक ये एनायन बनेगा और एक ये एनायन बनेगा लेफ्ट में, बट दिस एनायन इज मोर स्टेबल, और अगर ये मोर स्टेबल एनायन है तो इससे बनने वाला टॉटोमर मेजर होगा और इस एनायन से बनने वाला टॉटोमर माइनर होगा। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देख करके आप सबसे पहले अल्फा कार्बन देख लीजिए, इस अल्फा कार्बन पर एनायन लेस स्टेबल है तो यहां माइनर प्रोडक्ट बनेगा टॉटोमर, और इस कार्बन पर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो यह मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर बेसिक मीडियम में देखा जाए,
यहां पर एनायन 1 डिग्री बनेगा, यहां 2 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। देखिए एसिडिक मीडियम के जस्ट उल्टे आंसर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है कि जो एसिडिक में मेजर है वो बेसिक में माइनर है, ये गलत है। एसिडिक में वी विल टेक केयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सॉरी एसिडिक में वी विल टेक केयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, बट इन बेसिक मीडियम वी विल टेक केयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो अगर अपन बात करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें सेम आंसर आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए मैंने NO2 ले लिया, अब अगर मान लीजिए पूछा जाए एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में टॉटोमर्स बनाइए, पहली बात दो टॉटोमर इसमें बन सकते हैं, एक राइट से जो टॉटोमर बनेगा वो ये बन जाएगा और एक लेफ्ट से टॉटोमर बनेगा जो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम में देखें तो अल्कीन की स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, जबकि यहां पर ये अल्कीन इस NO2 के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो एसिडिक मीडियम में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। लेकिन बेसिक की बात करें, बेसिक में यही कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां अगर एनायन आएगा तो ये दोनों ही ग्रुप्स माइनस एम लगाएंगे, अगर यहां एनायन आएगा तो दोनों ग्रुप्स माइनस एम लगाएंगे। तो अगर अपन बेसिक की बात करें तो एनायन भी राइट में ही ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि राइट में ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर होगा और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो ऐसा रटने की जरूरत नहीं है कि जो एसिडिक में मेजर है वो बेसिक में माइनर हो जाएगा, गलत। एक और डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि टॉटोमर इधर से भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बट अभी हम कीटो और इनॉल की बात कर रहे हैं, तो टॉटोमर हमने जो बनाए हैं, ठीक है, वो कीटो और इनॉल के बेसिस पे बनाए, राइट से भी टॉटोमर बनाया सकता है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इसका कौन किसका टॉटोमर बन सकता है या क्या क्या इसके टॉटोमर हो सकते हैं, तो राइट से भी हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर एसिडिक मीडियम की बात की जाए तो एसिडिक मीडियम में दो तरीके के टॉटोमर हम बना सकते हैं, पहला ट्राइड और दूसरा स्पेस टॉटोमर, ठीक है। तो ट्राइड बनेगा लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो थ्री पर क्या आ जाएगा, टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड, और थ्री का एच वन पर आ जाएगा, थ्री का जो एच है वो वन पर और डबल बॉन्ड 1, 2 से 2, 3 पर। और स्पेस टॉटोमर हम बनाते हैं तो हम एच प्लस निकालेंगे फाइव से निकाल करके वन पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको एक एक आगे बढ़ा देंगे। अगर अपन एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, मेजर होगा। और अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में वी विल टेक केयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहां अगर अपन देखें ये कार्बन आयन बनेगा, और अगर हम लेफ्ट से बनाते हैं तो ये कार्बन आयन बनेगा। अगेन दिस कार्बन आयन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड फाइव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो लेस स्टेबल है, और अगर ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो मोर स्टेबल है। तो इफ वी टॉक अबाउट द मेजर टॉटोमर, तो यहां पर क्या होगा, इसी से बनने वाला, या जो इस तरह से फाइव पोजीशन से हम बना रहे हैं, जो स्पेस टॉटोमर बना रहे हैं वही मेजर होगा, ठीक है। और इस तरह से जो हम बना रहे हैं ट्रायड, वो इसका माइनर होगा। तो आंसर, ठीक है, एसिडिक और बेसिक में सेम आएंगे। बेसिक में क्या हो रहा है, लेस स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है ट्रायड से, और लेस स्टेबल बन रहा है तो यही क्या होगा, इससे बनने वाला टॉटोमर, ठीक है, ये होगा, और ये टॉटोमर माइनर होगा, और एक्सटेंडेड से बनने वाला टॉटोमर ये होगा, ओके, और ये टॉटोमर मेजर होगा। तो कई बार क्या होता है,
जो हम सोचते हैं, ठीक है, हम रटने की कोशिश करने लगते हैं तो ये गलत हो जाता है। अगर आपसे बात की जाए एसिडिक मीडियम की तो आप बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ अल्कीन स्टेबिलिटी, और अगर बेसिक मीडियम की बात की जाए तो आप टॉटोमर बनाइए मेजर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बेनायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ आपको आइडियाज दिए हैं कैसे हम टॉटोमर्स बना सकते हैं, स्पेस टॉटोमर्स, डायट, ट्रायट कैसे बना सकते हैं। अब हम इन पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, और हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। इसके अलावा हमको डिटेल में पढ़ना है कीटो इनॉल टॉटोमर्स, परसेंटेज इनॉल कंटेंट, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।